गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैम्बू फ्रेम, बैम्बू से फोटो फ्रेम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आरी से बैम्बू को काटना है, तो चलो आइए बैम्बू काटते हैं। बैम्बू कट जाने के बाद बैम्बू को दो पीसेस में डिवाइड करना है। बैम्बू को दो भाग करने के बाद उस बैम्बू को 12 पीसेस में डिवाइड करना है। एक भाग में से 6 पीसेस निकलने चाहिए। 12 पीसेस हो जाने के बाद बैम्बू को छीलना है और उसको स्मूथ करना है इक्वल शेप में। छीलने के बाद 12 पीसेस को ऊपर और नीचे से बराबर करना है। इसके बाद सैंड पेपर का यूज करके उसको एकदम स्मूथ एंड फिनिशिंग बनाना है। हो जाने के बाद आपको एक डिजाइन देना बैम्बू को, वो जलाकर भी कर सकते हो और टूल्स से भी कर सकते हो। तो आप लोग देख रहे हो, जैसे मैं चिपका आपको आपको दिखा रहा हूं, तो ऐसे है जो 3 बचे ऐसे उसको भी ऐसे चिपकाना है। चिपकाने के बाद इसको धूप में या पंखे के नीचे रख के इसको ड्राई होने देना। जब तक ड्राई ना हो जाए इसको टच नहीं करना, हिलाना नहीं है, इससे आपने जैसे चिपकाया आपका सेप बिगड़ सकता है। सूखने के बाद चारों पीसेस को जोड़ना है। जोड़ने से पहले आपको एक ऐसा बेस रेडी करना है जिससे कि ये मूव ना हो सके, आसानी से चिपक जाए। ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आपको वार्निश लेना। अब ब्रश या कपड़े का एक पीस लेके उसको डुबो के बैम्बू के ऊपर ऐसे लगाना है, जैसा कि आपको दिख रहा है शाइनिंग आ रहा धीरे धीरे। वार्निश हो जाने के बाद एक कार्टन्स लेना है जो वेस्ट हो, उसको बैम्बू की शेप की तरह काटना है। और उससे चिपका देना है। आपका फोटो फ्रेम रेडी है, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ।